SBI बैंक में सैलरी अकाउंट का जो बेनिफिट दिया जाता है वो सरकार के किस किस सेक्टर में दिया जाता है? कॉरपोरेट संस्थानों को दिया जाता है, केंद्र सरकारों को दिया जाता है, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, राज्य सरकार के कर्मचारियों को दिया जाता है, भारतीय रेल के कर्मचारियों को दिया जाता है, रक्षा बल के कर्मचारियों को दिया जाता है, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के कर्मचारियों को दिया जाता है, पुलिस बल के कर्मचारी दिया जाता है, और तटरक्षक बल को भी दिया जाता है। SBI आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वेतन खातों की संपूर्ण रेंज उपलब्ध कराता है। आप विभिन्न क्षेत्र के लिए विशेष वेतन खाता पैकेज ऑफर करते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार, रक्षा बल, अर्धसैनिक बल, पुलिस बल, कॉरपोरेट संस्था इत्यादि सेक्टर के कर्मचारियों के लिए SBI ने सैलरी अकाउंट पैकेज के विभिन्न प्रकार की सुविधाओं उपलब्ध कराई हैं। सबसे पहले हम चलते हैं कॉरपोरेट संस्था के कर्मचारियों को SBI ने सैलरी अकाउंट के लिए कितने बेनिफिट, सैलरी अकाउंट पर कितने जगत के कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट वेतन पैकेज इस प्रकार हैं। CSP के अंतर्गत वेतन खाते को अस्पतालों, होटलों, परिवहन निगमों इत्यादि जैसे सेवा संस्थान सहित कॉर्पोरेट के संस्थान के कर्मचारियों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं SBI उपलब्ध कराता है। पैकेज को कॉर्पोरेट संस्थान तथा बैंक के बीच व्यावसायिक संबंधों के आधार पर अनुकूल किया जा सकता है। देखते हैं खाते के कितने प्रकार होते हैं सैलरी अकाउंट के। तो सबसे पहले एक प्लेटिनियम खाता होता है सशस्त्र के लिए। उस प्लेटिनियम खाते का जो सैलरी का इनकम है उसमें सैलरी जो आनी चाहिए थी वो 1 लाख रुपए से अधिक आनी चाहिए प्रति महीने। दूसरा डायमंड खाता। डायमंड खाते में प्रति माह सैलरी 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक आनी चाहिए। तीसरी है गोल्ड श्रेणी का खाता। इसमें 25,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक के सैलरी आनी चाहिए उस कर्मचारी की। चौथी है सिल्वर अकाउंट। इसमें 10,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक की सैलरी आना चाहिए। इस सैलरी अकाउंट पर किस प्रकार से बेनिफिट मिलता है? यहाँ डेबिट कार्ड के प्रकार, बीमा कवरेज की राशि, लॉयल्टी कार्यक्रम आदि इत्यादि जो SBI में खाता खुलाते हैं उसके लिए फायदेमंद नहीं है। कर्मचारी के फायदे के लिए यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो सामने एक स्क्रीन आती है, इसमें लिखा होता है इन खातों पे जो सुविधा मिलती है वो इस प्रकार से मिलती है। शून्य अधिशेष खाता तभी तथा किसी भी बैंक के ATM पर निशुल्क असीमित लेन देन, यानी कि सैलरी अकाउंट में मान लीजिए अपना 1 महीने के लिए कोई बैलेंस नहीं रहता है, शून्य बैलेंस हो जाता है तो भी उसमें आपकी किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। और ATM भी इस पर निःशुल्क SBI जारी करता है। SBI कार्ड क्रेडिट कार्ड के साथ जोड़ सकते हैं और उपलब्ध कराते हैं। 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क वैयक्तिक बीमा दुर्घटना मृत्यु पर कवर होता है। तीस लाख रुपए तक का निःशुल्क वायु दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर इस पर दिया जाता है। आकर्षक दरों पर वैयक्तिक ऋण यानी पर्सनल लोन, जिसे आवास लोन ले सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, शिक्षा पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। लॉकर सुविधा में भी 25% तक की छूट मिलती है इस संस्थान के कर्मचारियों को। ऑटोशिप का लाभ भी ये उठा सकते हैं, यानी कि इस खाते को एक एक से दूसरे खाते में ट्रांसफर करने के। शुरू में ही डीमेट ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता इसमें खुलाया जाता है जो कि निःशुल्क है। डीमेट खाता यानी कि आज ट्रेडिंग मार्केट के लिए जो खोले जाते हैं वो खाते भी इस पे
निःशुल्क खुल सकते हैं सैलरी अकाउंट पे। निःशुल्क ड्राफ्ट फैसिलिटी, सिटी चेक, एसएमएस अलर्ट पाएँ, यानी कि इस संस्थान के सैलरी अकाउंट के जो कर्मचारी खोलते हैं, सैलरी अकाउंट जो का खोलते हैं, उनको सभी पर निःशुल्क एसएमएस अलर्ट, निःशुल्क ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएस सारी सुविधाएं मिल सकती हैं। 2 माह के निवल वेतन के बराबर की राशि का ओवरड्राफ्ट, यानी कि किसी महीने अपनी सैलरी बैंक खाते में नहीं आ रही है और हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें बैंक से 2 महीने की सैलरी के बराबर के लिए ओवरड्राफ्ट यानी कि उधार पैसे मिल सकते हैं, उधार वो दे सकते हैं। वर्तमान में केवल चयनित ग्राहकों के ही उपलब्ध है। इसमें यहाँ दुर्घटना बीमा पर पूछने वाले सवाल होते हैं, किस तरह से दुर्घटना बीमा फिर दावा कर सकते हैं हम लोग ये कर्मचारी। तो सबसे पहले वेतन पैकेज खाते हुए जो सैलरी अकाउंट होते हैं उनके लिए निःशुल्क वैयक्तिक बीमा दुर्घटना मृत्यु कवर तथा वायु दुर्घटना बीमा मृत्यु कवर फैसिलिटी उपलब्ध कराती है। अब आते हैं केंद्र सरकार के कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट पर एसबीआई कितने फायदे देती है। यहाँ क्लिक करते हैं तो केंद्रीय कर्मचारियों के जो सैलरी अकाउंट का पैकेज है वो भी 4 श्रेणियों में बांटा गया है। केंद्रीय कर्मचारी कितने वर्गों को शामिल किए गए हैं इसमें। केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालय तथा विभागों पर आरबीआई तथा नाबार्ड के कर्मचारी केंद्र सरकार के पैकेज सीजीएस के अंतर्गत वेतन खाता खोल सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस, यहाँ सबसे पहले देखते हैं कि सिल्वर अकाउंट में जो श्रेणी है वो है 10,000 से लेकर 25,000 रुपये के बीच तक। गोल्ड श्रेणी के खाते में जितने पैसे आते हैं, यानी कि मान लीजिए किसी कर्मचारी की सैलरी अकाउंट खुला हुआ है एसबीआई में और उसके खाते में 25,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक के आते हैं तो वह गोल्ड श्रेणी के खाते में आता है। और किसी कर्मचारी का खाता एसबीआई बैंक में खुला हुआ है, सैलरी उसमें लगातार 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक के बीच आती है तो वह डायमंड श्रेणी में आता है। चौथा, किसी सेंट्रल कर्मचारियों की तनख्वाह उनके सैलरी अकाउंट में आती है और लगातार उनमें 1 लाख रुपए से अधिक आती है तो बैंक उसे प्लेटिनम श्रेणी के खाते की में रखता है। अब चलते हैं कि यहाँ पर कर्मचारी को कितना लाभ होता है। तो ये कर्मचारी के लाभ इसमें उपलब्ध है। कर्मचारी के लाभ, शून्य अधिकारता तथा किसी भी बैंक के एटीएम पर निःशुल्क असीमित लेन देन, यानी कि आपका सैलरी अकाउंट एसबीआई में है तब आपके अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है तो भी शून्य बैलेंस पर 1 महीने तक रह सकते, किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होगी और कोई ब्याज नहीं लगेगा और बैंक के एटीएम पर निःशुल्क असीमित लेन देन कर सकते हैं। यानी किसी एसबीआई के अलावा दूसरे भी बैंक के एटीएम मशीनों से आप असीमित लेन देन कर सकते हैं, कोई सीमा नहीं होती। 20 लाख रुपए तथा निःशुल्क वैयक्तिक दुर्घटना बीमा, यानी कि सभी चारों श्रेणियों पर प्लेटिनम से लेके गोल्ड श्रेणी, सिल्वर श्रेणी, डायमंड श्रेणी, सभी श्रेणियों पर पर्सनल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी कवर होता है। इसमें मृत्यु के उपरांत 20 लाख रुपए का क्लेम दावा किया जा सकता है बैंक। इसमें
चारों श्रेणी के खातों पर 30 लाख रुपए तक का निःशुल्क वायु दुर्घटना बीमा भी कवर है। एक और लाभ जो आकर्षक दरों पर व्यतिग्रहण, यानी कि आकर्षक दर पर SBI में केंद्र सरकार के कर्मचारियों का सैलरी अकाउंट है तो उस पर पर्सनल लोन, आवास लोन, कार लोन और शिक्षा पर लोन प्राप्त कर सकते हैं। उन लोनों पर जो शुल्क में छूट मिलती है वह 50% तक छूट पा सकते हैं। इन तीनों लोनों पर, यानी पर्सनल लोन, आवास लोन, कार लोन और शिक्षा लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है उस पर 50% तक की छूट मिल सकती है। साथ में मान ली किसी कर्मचारी का SBI में सैलरी अकाउंट है तो सेंटर के कर्मचारी को लॉकर प्रभाव पर भी 25% तक की छूट मिल सकती है। EMOD बहुविकल्पीय जमाएं सृजन करने के लिए ऑटो स्वीप का लाभ उठाएं, अधिक ब्याज प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपके खाते को किसी में ऑटो स्वीप, यानी एक खाते से दूसरे खाते में भी शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। शुरू में जब आपका सेंटर कर्मचारियों का यानी कि खाता खुलता है तो डीमेट अकाउंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता भी साथ में निशुल्क खुल सकता है। निशुल्क ड्राफ्ट भी इसमें बन सकते हैं। मल्टी सिटी चेक भी आपको निशुल्क मिलेगा। SMS अलर्ट जारी करना भी निशुल्क जारी होंगे। निशुल्क ऑनलाइन NEFT और RTGS, यानी कि केंद्र कर्मचारियों के SBI में सैलरी अकाउंट खुलते हैं तो बैंक निशुल्क ड्राफ्ट फैसिलिटी देती है। मल्टी सिटी चेक भी निशुल्क इशू करती है। SMS अलर्ट भी निशुल्क जारी करती है। और ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, कई बैंकों में NEFT RTGS पर चार्ज लगते हैं, लेकिन यहाँ पर SBI सैलरी अकाउंट पर निःशुल्क RTGS और NEFT का ट्रांजेक्शन करेगी, किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं रहेगी। मान लीजिए 2 महीने से या 3 महीने से अपने खाते में तनख्वाह नहीं आ रही है, वेतन नहीं आ रहा है और हमें पैसों की ज़रूरत है तो सैलरी अकाउंट पर SBI 2 महीने का तनख्वाह के बराबर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध कराती है। साथ में हमारे लॉयल्टी कार्यक्रम SBI रिजर्व बैंक के जरिए विभिन्न लेन देन के पॉइंट भी फ्री में दिए जाएंगे। यहाँ पर SBI सैलरी अकाउंट पर डेबिट कार्ड, YONO SBI पर विभिन्न प्रकार के ऑफर भी निशुल्क मिलेंगे। अब दुर्घटना बीमा सेंटर के कर्मचारी जो है उनको SBI दुर्घटना बीमा पर किस प्रकार से फायदा देती है, मैं इसको नीचे लाता हूँ। यह देखिए, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर फॉर सैलरी अकाउंट। बीमा प्रदाता यानी कि जो कंपनी हमें बीमा देती है, जैसे रिलायंस इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। SBI सैलरी अकाउंट पर रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड दोनों का टाई अप हो रखा है। बैंक के जरिए रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी हमें बीमा प्रदान करेगी सैलरी अकाउंट पर। बीमा की अवधि 1 अप्रैल से लेकर के 1 मार्च तक, यानी कि फाइनेंशियल ईयर्स तक लिमिट रहती है, वैलिड रहती है।
पॉलिसी की जो है वो हमारी पॉलिसी, ये हमारी पॉलिसी नंबर नहीं है, ये सिर्फ रिलायंस जन इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के द्वारा एग्रीमेंट किया हुआ है SBI के साथ में, वो पॉलिसी का नंबर है। अब चलते हैं राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको SBI में सैलरी अकाउंट पर कितने फायदे होते हैं। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए फायदे, ये देखिए, राज्य सरकार के तथा केंद्र सरकार शासित प्रदेशों के कर्मचारी राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित कॉरपोरेशन बोर्ड आदि से स्थायी कर्मचारी, जिसमें सहायता प्राप्त विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों आदि के शिक्षक प्रोफेसर भी शामिल हैं। राज्य सरकार के वेतन पैकेज SGSP के अंतर्गत वेतन खाते खोल सकते हैं। यहाँ देखा है कि SBI बैंक राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा संघ शासित प्रदेशों और राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में जो कॉरपोरेट कॉरपोरेशन और बोर्ड स्थायी कर्मचारी जहाँ कार्य करते हैं उसमें विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय आदि के शिक्षक भी शामिल हैं। और ऐसे कर्मचारी जो राज्य सरकार के वेतन पैकेज के अंतर्गत वेतन लेते हों वो भी वेतन खाता SBI में खुला सकते हैं। निविदा वाले कर्मचारी SBI में खाता नहीं खोल सकते, सैलरी अकाउंट। अब यहाँ देखिए सैलरी अकाउंट कितने प्रकार हैं। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट के प्रकार, यानी कि किसी कर्मचारी की सैलरी प्रति माह 10,000 रुपये से लेकर के 25,000 रुपये तक के बीच आती है तो वह SBI सिल्वर श्रेणी में उस एम्प्लॉय के खाते को रखेगी। इसी प्रकार से गोल्ड श्रेणी में जो खाते सैलरी अकाउंट रखे जाएंगे वो उसमें तनख्वाह 25,000 रुपये से लेकर के 50,000 रुपये के बीच आनी चाहिए, वही गोल्ड श्रेणी के खाते कहलाएंगे, सैलरी अकाउंट कहलाएंगे। डायमंड रुपये 50,000 से लेकर के 1,00,000 रुपये के बीच में जिन कर्मचारियों की तनख्वाह SBI सैलरी अकाउंट में आती हो वह श्रेणी होगी डायमंड श्रेणी खाते। प्लेटिनियम खाते के रूप में मान लीजिए आपके खाते में 1,00,000 रुपये से अधिक तनख्वाह आती है, वेतन आता है तो प्लेटिनियम में रखा जाएगा, यानी कि राज्य सरकार के पैकेज जो SBI देती है सैलरी अकाउंट पर वो चार प्रकार से होंगे, सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनियम। अब चलते हैं राज्य सरकार के वेतन पैकेज के जो लाभ हैं वो कर्मचारियों को मिलते हैं। तो कर्मचारियों को क्या लाभ है इस सैलरी अकाउंट से, शून्य अधिशेष खाता, यानी किसी भी बैंक के ATM पर निशुल्क असीमित लेन देन। शून्य अधिशेष का खाते का मतलब है मान लीजिए एक समय ऐसा हो जब सैलरी खाते में कोई पैसा नहीं रहेगा, शेष नहीं रहता है, तो SBI या जो भी कई बैंक है उसमें खाते पर चार्ज लगाती हैं या कमीशन काटती हैं, वो सैलरी अकाउंट पर नहीं कटेगा इस बैंक में। और सैलरी अकाउंट पर जो ATM जारी हुआ है उस ATM के जरिए असीमित लेन देन आप कर सकते हैं किसी भी दूसरे बैंक के ATM मशीनों पर। साथ में जो पर्सनल एक्सीडेंट दुर्घटना बीमा है इसमें 20,00,000 रुपये तक का कवर है। हवाई दुर्घटना बीमा चारों प्रकार के खातों पर, सैलरी खातों पर 30,00,000 रुपये तक का कवर दिया जाता है।
सबसे बड़ी आकर्षक चीज़ इसमें यह है कि पर्सनल ऋण, आवास, कार लोन, शिक्षा पर लोन, इस जब लेते हैं सैलरी खाते के माध्यम से, तो कई बैंकों में अलग से प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाता है, लेकिन SBI में राज्य सरकार के कर्मचारी, ऑटोनोमस बॉडी के कर्मचारी, रेपुटेड संस्था कर्मचारियों से प्रोसेसिंग फीस में 50% तक की छूट मिल सकती है। साथ ही किसी कर्मचारी का जिनका सैलरी अकाउंट SBI में है, उस पर वो लॉकर सुविधा लेना चाहता है, तो लॉकर सुविधा पर मिलने वाले यानी कि बैंक की तरफ से जो चार्ज लगाए जाते हैं, उसमें 25% तक की छूट मिल सकती है। ऑटो स्वीप का भी लाभ इसमें मिलता है। मान लीजिए MOFD बहुविकल्पी जमाएं, तो हमें सैलरी अकाउंट से ऑटो स्वीप भी उस कर सकते हैं और उसका फायदा भी मिल उठा सकते हैं। शुरू में जिस प्रकार से हम सैलरी अकाउंट खोलते हैं, तो ऑन बोर्डिंग के समय में ही यानी कि खाल सैलरी अकाउंट खोलते समय ही हमें डीमैट और ऑनलाइन ट्रेडिंग खाता खोलने की सुविधा भी निःशुल्क मिलती है। यानी कि सैलरी अकाउंट के बेस पर ही हम डीमैट और ऑन ट्रेडिंग जो बाजार में पैसा निवेश करते हैं, उनके लिए खाता निःशुल्क खोल सकते हैं। कई बैंकों में चेक इशू करने का, RTGS करने का, NEFT करने का चार्ज लिया जाता है, लेकिन SBI में जिन कर्मचारियों के सैलरी अकाउंट खुले हुए हैं, उन पर मल्टी चेक सिटी निःशुल्क उपलब्ध कराएगी, SMS अलर्ट भी निःशुल्क रहेगा, और निःशुल्क ऑनलाइन NEFT और GST RTGS रहेगा। यानी कि इन दोनों पर किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं लेगा। अब सबसे बड़ा फायदा यह है कि SBI में सैलरी अकाउंट में किसी कारण से सैलरी में विलंब हो जाता है या सैलरी जो आती है उससे अधिक खर्च हो जाता है, आगामी महीने में हमें सैलरी किसी कारण से नहीं मिलती है, तब 2 माह के निवृत्त वेतन पर यानी कि 2 माह जो हमारा बेसिक वेतन आता है सैलरी अकाउंट में, उसके बराबर की राशि का बैंक हमें उधार लोन दे सकता है। वर्तमान में शर्त यह है बैंक की कि वे अपने चयन किए ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध कराता है। यानी कि मान लीजिए 100 सैलरी अकाउंट हैं अपने SBI में, तो उनमें से SBI बैंक के द्वारा चुनिंदा ग्राहकों को ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी उपलब्ध होगी। डेबिट कार्ड, यूनो कार्ड, SBI पर विभिन्न प्रकार के नियम भी ऑफर मिलते हैं। यानी कि सैलरी अकाउंट आपका खुला हो तो उस पर यूनो SBI की जो फैसिलिटी वो भी उपलब्ध होंगी। डेबिट कार्ड भी इसमें निशुल्क दिया जा सकेगा। डेबिट कार्ड, यूनो फैसिलिटी, यानी कि भारतीय रेलवे के जितने भी विभाग हैं उनके कर्मचारी SBI में सैलरी खाता खुलाने के काबिल होंगे, वो SBI में सैलरी खाता खोल सकते हैं। SBI में सैलरी खाते के उसी जो देखते हैं कि 4 श्रेणियों में बांटे गए हैं। सबसे ऊपर जो आता है, सबसे कम जिनके वेतन आते हैं, सैलरी आती है बैंक में, वो 10,000 से लेकर के 25,000 रुपये तक के सिल्वर श्रेणी के खाते में रखे जाएंगे, और 25,000 से लेकर के 50,000 रुपये तक प्रति माह
जिन कर्मचारियों की सैलरी आती है बैंक में, उस खाते को गुड श्रेणी में रखा जाता है बैंक के माध्यम द्वारा, और 50,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक के जो सैलरी आती है बैंक में, उसे डायमंड श्रेणी में रखा गया है। और लास्ट में सबसे जो हाईएस्ट तनख्वाह जिस खाते में आती है, उसे प्लेटिनियम खाता कहते हैं। इस खाते में 1 लाख रुपए से अधिक तक का वेतन आता है, यानी कि हर महीने कर्मचारी की नेट सैलरी बैंक में जो आती है, उसी श्रेणी के आधार पर खातों को बांटा गया है। इसमें ये चार श्रेणी रखी गई है, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। अब चलते हैं रेल कर्मचारियों को सैलरी अकाउंट पर क्या फायदा है, कितने फायदे मिलते हैं, तो ये देखते हैं कर्मचारियों को फायदे। उसी प्रकार जैसे कि पिछले हमने देखा कि राज्य सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फायदे मिलते हैं, उसी प्रकार से यहाँ शून्य अधिशेष खाता किसी भी बैंक में, एटीएम पर निःशुल्क असीम लेन देन, एसबीआई क्रेडिट कार्ड के साथ साथ जोड़कर भी उपलब्ध है। यानी कि आप रेल किसी भी रेलवे कर्मचारी के सैलरी अकाउंट में किसी महीने शून्य बैलेंस रहता है, तो उस पर अधिशेष नहीं लगता, यानी कि कोई पेनल्टी नहीं लगती। साथ में वह सैलरी अकाउंट पर एटीएम कार्ड जो जारी होता है, वह एटीएम से किसी भी अन्य दूसरे एटीएम पर भी असीमित लेन देन कर सकते हैं। साथ में उसमें वही जैसे कि पिछली दो संस्थाओं के कर्मचारियों को बीमा दुर्घटना का लाभ मिलता था, वैसे ही इसमें भी उसी दिया हुआ है। 20 लाख रुपए तक का निःशुल्क वैयक्तिक दुर्घटना पर्सनल एक्सीडेंटल कवर, 20 लाख रुपए, 30 लाख रुपए तक का निःशुल्क वायु दुर्घटना बीमा कवर, आकर्षक दरों पर वैयक्तिक लोन यानी कि पर्सनल लोन, आवास लोन, कार लोन, शिक्षा ऋण प्राप्त कर सकते हैं। अब कई बैंक जैसे कि मैंने पिछली बार उसमें बताया कि प्रोसेसिंग फीस पर पूरा 100% चार्ज करते हैं, लेकिन एसबीआई में मान लीजिए रेल कर्मचारी का किसी का खाता है और वह पर्सनल लोन, कार लोन, आवास लोन और शिक्षा लोन लेना चाहता है, तो इसके प्रोसेसिंग पर 50% तक की छूट मिलेगी, जो कि काफ़ी अच्छी मानी जाती है। वही कर्मचारी कोई रेल कर्मचारी कोई अपने एसबीआई सैलरी अकाउंट के साथ में लॉकर सुविधा भी लेता है, तो लॉकर सुविधा पर लगने वाले चार्ज पर भी 25% तक की छूट एसबीआई से मिलेगी। बहुविकल्पीय यानी कि ईएमओडी जमाएं भी इसमें मिलेंगी। ऑटो स्वीप का भी यहाँ भी इस लोगों को फायदा है। डीमेट अकाउंट भी ऑनलाइन ट्रेडिंग का भी सुविधा रहेगी। निःशुल्क चेक, मल्टी सिटी चेक, एसएमएस अलर्ट जारी करना, निःशुल्क ऑनलाइन एनईएफटी, आरटीजीएसटी और 2 माह के वो निवल वेतन यानी कि नेट वेतन जो बैंक में आता है, उसके बराबर की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, यानी कि आपको ज़रूरत पड़ती है अधिक पैसे की और आपके खाते में कम पैसे हैं, तो बैंक के नियमानुसार आपको 2 महीने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी यानी दो। अब हम नीचे चलते हैं। सबके जहन में एक सवाल होता है कि सैलरी अकाउंट होता क्या है, तो आइए कुछ सवाल जो पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं, क्लियर मैं आपको कर देता हूँ। सबसे पहले सबके जहन में आता है कि सैलरी पैकेज खाता क्या है, तो सैलरी पैकेज खाता
वे वेतन भोगी ग्राहक को दिया जाने वाला एक विशेष बचत खाता है जो विशिष्ट लाभ और सेवाएं प्रदान करता है। साथ ही सबसे उन्नत और सुरक्षित नेट बैंकिंग तथा मोबाइल बैंकिंग सेवाओं तक सहज पहुंच प्रदान करता है। अब जानते हैं कि सैलरी पैकेज के लाभ क्या हैं। पिछली उनमें अलग अलग जो थी सुविधाएं वो मैंने बताई थी। अब स्पेशल जो तरीके से सुविधाएं हैं वो उनके बारे में बताने जा रहे हैं। प्रत्येक सैलरी पैकेज खाता ग्राहक को विशिष्ट लाभ या सेवाएं प्रदान करता है। हमारे सैलरी पैकेज खाते के कुछ लाभ जो हैं वो इस प्रकार से हैं। शून्य राशि खाता, यानी कि किसी दिन हमारे खाते में कोई पैसे नहीं रहते हैं तो भी खाता को बंद नहीं किया जाए, कोई मासिक औसत शेष राशि का प्रभाव नहीं, यानी कि इस खाते में किसी प्रकार की कोई बैलेंस रखने की सीमा नहीं है, कितना भी पैसा है हमारे पास या कुछ भी नहीं है उसमें, उसकी कोई सीमा नहीं है। ऑटो स्वीप की भी सुविधा होती है, यानी कि चाहे जब हम अपने खाते को चाहे जिसमें भी परिवर्तित कर सकते हैं। ऑटो स्वीप यानी किसी योजना में लगाना है, किसी प्रकार के दूसरे ट्रेड मार्केट में पैसे लगाते हैं वो, तो ऑटो स्वीप को हम वहाँ पर कर सकते हैं। आकर्षक लाभों के साथ आजीवन निशुल्क डेबिट कार्ड भी उपलब्ध किया जाता है, यानी कि कई बैंक में तो आज डेबिट कार्ड जारी करने का चार्जेज लेती हैं, लेकिन SBI सैलरी अकाउंट के जो खाते हैं उन पर आज निशुल्क डेबिट कार्ड जारी करती है। सभी बैंकों के ATM पर निशुल्क असीमित लेन देन, यानी कि मान लीजिए आपका सेविंग खाता है, करंट खाता है, तो उस पर आप ऑनर बैंक से, यानी कि जो खाता जिस बैंक में है उस बैंक का आपका ATM है और आप किसी दूसरे बैंक किसी ATM से पैसा निकालना चाहते हैं, तो वहाँ पर कुछ सीमाएं लिमिटेशन होती हैं कि आप महीने में 5 बार निकाल सकते हैं, महीने में 10 बार निकालते हैं। लेकिन मान लीजिए अपना आपका सैलरी अकाउंट है और उसके ऊपर निशुल्क आपको एक ATM कार्ड मिला हुआ है, तो उस ATM कार्ड से आप खुद की स्वयं की होम ब्रांच से असीमित लेन देन कर सकते हैं ATM कार्ड के माध्यम से। निशुल्क मांग ड्राफ्ट, यानी कि आप निशुल्क डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, नहीं तो कई बैंकों में ड्राफ्ट बनाने के राशि के अनुसार चार्जेज दिए पेमेंट करने पड़ते हैं, दिए जाते हैं। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का कोई चार्जेज नहीं देना पड़ेगा। निशुल्क बहु शहरी चेकबुक, यानी जो कि अपनी बताया कि सिटी जो चेकबुक होती है, मल्टी सिटी चेकबुक, यहाँ पर आपको निशुल्क प्रोवाइड कराते हैं। निशुल्क NEFT, RTGST, ये भी इसी सैलरी अकाउंट पर निशुल्क RTGST और NEFT मिलता है। निशुल्क SMS अलर्ट, यहाँ पर कई बैंकें SMS जारी करने के लिए पैसे जमा करवाती हैं, चार्जेस काटती हैं, चार्जेस लगाती हैं, लेकिन हमारे सैलरी अकाउंट पर किसी प्रकार के SMS के अलर्ट के लिए कोई पैसा नहीं देना पड़ता। व्यक्तिगत ऋण, कार लोन, आवास लोन, पेंशन ऋण पर ब्याज दर है, यानी कि पर्सनल लोन और कार लोन, आवास लोन किसी बैंक से दूसरी बैंक से लेते हैं और वहाँ पर आपका सैलरी अकाउंट नहीं है, तो वहाँ पर जो प्रोसेसिंग चार्जेज हैं उसमें के ब्याज दर में भी कुछ के पड़ती हैं और छूट मिलती है। ओवरड्राफ्ट की जो फैसिलिटी है, सुविधा, वो पात्र अनुसार, जैसे कि पिछले उसमें बताया गया था कि 2 महीने की तनख्वाह के बराबर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिलेगी, लेकिन बैंक की पात्रता के अनुसार ही सैलरी अकाउंट होल्डर को ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलेगी। हर सैलरी अकाउंट होल्डर को 2 महीने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक नहीं देगा। नीचे चलते हैं।
एसबीआई के विभिन्न प्रकार के सैलरी खाते पैकेज क्या हैं? ये हर एक के जहन में एक बात रहती है। एसबीआई के विविध क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार तैयार किए गए सैलरी खाता पैकेजों की व्यापक श्रृंखला प्रदान करता है। जैसे देखिए, केंद्र सरकार सैलरी पैकेज, जैसे शॉर्ट में CGSP कहते हैं। राज्य सरकार सैलरी पैकेज, जिसका शॉर्ट में SGSP कहते हैं। रेलवे सैलरी पैकेज, जिसे शॉर्ट में RSP कहते हैं। रक्षा सैलरी पैकेज, DSP कहते हैं। अर्धसैनिक सैलरी पैकेज, जिसे शॉर्ट में PMS कहते हैं। पुलिस सैलरी पैकेज, जिसे PSP कहते हैं। भारतीय तटरक्षक सैलरी पैकेज, जिसे ICGSP कहते हैं। कॉरपोरेट सैलरी पैकेज, जिसे शॉर्ट में CSP कहते हैं। तो इस प्रकार से जो SBI के कर्मचारियों में जो सैलरियों के खाते के प्रकार हैं, वो अलग अलग कैटेगरी में बांटे गए हैं। अब केंद्र सरकार सैलरी पैकेज क्या है? केंद्र सरकार सैलरी पैकेज क्या है, ये देखिए। केंद्र सरकार सैलरी पैकेज के अंतर्गत केंद्र सरकार सैलरी पैकेज की सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और RBI और नाबार्ड के कर्मचारियों को दिया जाने वाला विशेष बचत खाता है। CGSP के अंतर्गत दिए जाने वाले विशेष लाभों के लिए ये आगे अपन देख सकते हैं। बहुत हम उसी जिस जगह से वापस गए थे वहाँ आगे, लेकिन हमें जो कि आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर कर दी थी, हमें अपना टाइम ज़्यादा खर्चा, हम चाहते हैं कि आपको थोड़े टाइम में अधिक जानकारी मिले। हम अब बिंदु नंबर 5 पर, राज्य सरकार सैलरी पैकेज क्या है? राज्य सरकार सैलरी पैकेज यानी कि राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के कर्मचारियों एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों, जिसको ऑटोनोमस कहते हैं, फंडिंग जिस जो विद्यालय फंडों से चलते हैं, वो अनुदान कॉलेजों, विश्वविद्यालय आदि के शिक्षकों, अध्यापकों, राज्य सरकार के शासित केंद्र प्रदेश निगमों, बोर्डों आदि के कर्मचारियों यानी कि स्थायी कर्मचारियों को दिए जाने वाला विशेष बचत खाता है। SG के अंतर्गत दिए जाने वाले विशेष लाभों के वही जो मैं आपको पिछले उसमें बता चुका हूँ। अब चलते हैं रेलवे पैकेज क्या है। रेलवे एम्प्लॉय के लिए सैलरी अकाउंट के क्या पैकेज हैं? इसमें रेलवे सैलरी पैकेज में जिसमें पिछले कुछ ही मिनट पहले हमने बताया था कि भारतीय रेलवे के अंतर्गत रेल कोलकाता मेट्रो, कोंकण रेलवे निगम, मुंबई मेट्रो, दिल्ली मेट्रो रेल निगम लिमिटेड, बेंगलोर मेट्रो रेल निगम के कर्मचारी को दिया जाने वाला विशेष बचत खाता है। अब चलते हैं रक्षा पैकेज, जो कि उन सभी की तरह इसमें भी रक्षा पैकेज है, जिसमें हमारे कुछ सैनिक भाई को शामिल किया गया है। सैनिक यानी तीनों सेनाओं के जवानों को रक्षा से सैलरी पैकेज क्या है, देखिए इसमें कौन कौन संस्थान आते हैं। सबसे नज़र करते हैं तो नौसेना, वायुसेना की कर्मचारी, वायुसेना, नौसेना, भारतीय तटरक्षक बल, असम राइफल, राष्ट्रीय राइफल, GIRF, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO के रक्षा कर्मचारियों को भी सैलरी अकाउंट के फायदे SBI के द्वारा दिए जाते हैं। अब चलते हैं अर्धसैनिकों के पैकेज क्या हैं। अर्धसैनिकों के सैलरी पैकेज क्या हैं? अर्धसैनिक सैलरी पैकेज इस प्रकार से हैं, जिसमें
अर्धसैनिक की जो संस्थाएं विभाग हैं वो इस तरह से हैं। अर्धसैनिकों में केंद्रीय आरक्षी पुलिस बल CRPF जिसे कहते हैं, सीमा सुरक्षा बल जिसे BSF कहते हैं, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जिसे CISF कहते हैं, सशस्त्र सीमा बल जिसे SSB कहते हैं, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITB जिसे कहते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG राष्ट्रीय सुरक्षा। इन सभी को अर्धसैनिक सैलरी पैकेज के लाभ SBI के द्वारा दिए जाते हैं। अब और ऊपर चलते हैं, पुलिस सैलरी पैकेज क्या है। सभी को मैं आपको एक सभी कर्मचारी जितने भी सैलरी अकाउंट हैं सरकारी कर्मचारी अर्ध सरकारी सभी के लिए मैं आपको इसमें डिटेल से बताऊंगा। पुलिस सैलरी पैकेज केंद्रीय पुलिस संगठन जैसे केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के अलावा सिविल पुलिस, सभी राज्य के सशस्त्र पुलिस, आरक्षी पुलिस, केंद्र शासित प्रदेश के पुलिस बलों को केंद्र सरकार के नियंत्रणाधीन सरकारी रेलवे पुलिस GRP राज्य पुलिस का भाग यानी कि दिए जाने बचत खत विशेष कर लाभ दिए जाते हैं। इसी प्रकार से भारतीय तटरक्षक जो बल हैं इसमें किस प्रकार कौन कौन से कर्मचारी कौन कौन से विभाग आते हैं, तो भारतीय तटरक्षक बल सैलरी पैकेज ICGSP भारतीय तटरक्षक बल के उन सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दिए जाने वाला विशेष सैलरी पैकेज है जिनके वेतन पेंशन खाते SBI में आते हों। कॉरपोरेट पैकेज क्या है। कॉरपोरेट सैलरी पैकेज कॉरपोरेट संस्थानों के कर्मचारी जिनमें अस्पताल, होटल, परिवहन निगम आदि सेना सेवा संगठन शामिल हैं को दिए जाने वाला विशेष बचत खाता है। अब बात आती ऊपर, तो किन किन संस्थाओं के कर्मचारियों को कितनी कितनी श्रेणियों खाते के द्वारा श्रेणी में बांटा गया और कौन कौन कर्मचारी इसमें सैलरी अकाउंट खुला सकते हैं। अब बात करते हैं सैलरी पैकेज खाता कैसे खोले जाते हैं SBI में। तो यहाँ आपने सबसे पहले क्लिक किया, एक वेतन भोगी व्यक्ति निम्न माध्यम से SBI की शाखा से संपर्क कर सकता है, यानी एक जो भी ये कर्मचारी है SBI में सैलरी अकाउंट खाता खोलने के लिए संपर्क कर सकते हैं, या बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने पर स्थानीय होम ब्रांच 5 कार्य दिवस में आपसे संपर्क करेगी। अब आते हैं कि हमने आपको सैलरी अकाउंट के कितने प्रकार होते हैं ये बताया। सैलरी अकाउंट किन किन संस्थाओं के कर्मचारी, किन किन ऑटोनोमस बॉडी कर्मचारियों के, रेलवे पुलिस वार सभी के बारे में बताया। अब बात आती है कि जो सैलरी अकाउंट खोलना है कर्मचारियों के उन्हें किन पर किस दस्तावेज किन कौन कौन से दस्तावेज ला देने हैं, कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से खाता खुलेगा, कौन कौन से दस्तावेज बैंक में जमा कराने पड़ेंगे और कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले लीजिए, सैलरी अकाउंट खोलने के लिए दस्तावेज, सबसे पहला दस्तावेज है पासपोर्ट आकार का फोटोग्राफ 2 नग। खाता खोलने की मानक प्रक्रिया के अनुसार पहचान एवं आवास का प्रमाण पत्र, रोजगार का प्रमाण पत्र, रोजगार का प्रमाण पत्र यानी जहाँ पर आप जिस संस्थान में नौकरी कर रहे हैं उस विभाग का ID प्रूफ, आई कार्ड और नवीनतम वेतन पर्ची, और जिस समय आप खाता खुलाने जा रहे हैं तो उस महीने
से पहले का हम नवीन एक खाता पर्ची वेतन पर्ची जरूर साथ में ले जाए। सब पासपोर्ट आकार के 2 नग फोटोग्राफ, खाता खोलने वाले पहचान और आवास का प्रमाण पत्र, रोजगार का प्रमाण पत्र और नवीनतम वेतन पर्ची। अगर संयुक्त खाता खोलना है तो उसके लिए संयुक्त खाता खोलने के लिए संयुक्त आवेदक यानी कि दोनों के पहचान पत्र, आवास का प्रमाण पत्र आवश्यक होगा। अब कईयों के डाउट होते हैं, नीचे चलते हैं। कई कर्मचारी आपस में संकुचित होते हैं कि मेरा बैंक में सेविंग खाता है, क्या मैं इसको सैलरी अकाउंट पर परिवर्तित करा सकता हूँ? तो SBI में जो सुविधा है वो यह है कि यदि आपका SBI में बचत खाता है तो आप बचत खाते को सैलरी अकाउंट में परिवर्तित कर सकते हैं बैंक शाखा में जाकर के, जहाँ पर आपका सैलरी सेविंग खाता है। अब फिर देखते हैं कि हमारे पास खातों के कितने प्रकार होते हैं। हम या आप अभी तक यही जानते थे कि खाते उसके 2 प्रकार के होते हैं, एक करंट खाता और एक बचत खाता। लेकिन यहाँ सैलरी खाते के 4 प्रकार बताए गए हैं, उनमें सिल्वर, गोल्ड, डायमंड और प्लेटिनम, जो कि पिछली कड़ी में मैंने बताया। इन खातों में अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। अब बात आती है कि खाते को अपग्रेड कर सकते हैं क्या, संभव है? हाँ बिल्कुल, SBI ये आपके खाते को अपग्रेड करने का अवसर देती है, अपग्रेड करने की सुविधा देती है। इसके लिए आपको प्रमाण प्रस्तुत करने पर शाखा खाते को पात्र प्रकार में अपग्रेड करने, जैसे कि गोल्ड श्रेणी से खाते को डायमंड श्रेणी में परिवर्तित करना है और डायमंड श्रेणी से प्लेटिनम में परिवर्तित करना है। तो इसके लिए मान लीजिए आपकी तनख्वाह डायमंड श्रेणी में, जो पहले स्टार्टिंग में आपने खाता खुलाया था, अब डायमंड श्रेणी की जो लिमिट, लोअर लिमिट और हाईएस्ट लिमिट, जिस वेतन आता था उससे अधिक पेमेंट, बेसिक पेमेंट आ रहा है, तो आपका उसके डायमंड से प्लेटिनम में परिवर्तित करने के लिए आपको सैलरी प्रूफ, सैलरी पर्ची बैंक में देनी होगी, तभी जा कर के आपके खाते का अपग्रेडेशन होगा। अब चलते हैं, एक पूछने वाला सवाल है, क्या SBI के सैलरी पैकेज खाता धारक ग्राहक के लिए कोई बीमा कवरेज है? तो देखिए यहाँ पर आपके सारे डाउट क्लियर होते हैं बीमा कवरेज से संबंधित। सैलरी बैंक SBI बैंक कहता है कि हमारे सभी सैलरी पैकेज खाता धारकों को मानार्थ व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा, हवाई दुर्घटना बीमा, अधिकतम कवरेज राशि सैलरी पैकेज की श्रेणी और प्रकार पर निर्भर करता है। यानी कि सैलरी अकाउंट किस प्रकार का है, किस श्रेणी में आता है, सिल्वर, डायमंड, प्लेटिनियम, उसी प्रकार से आपको बीमित राशि का भुगतान मिलेगा।
अब बात आती है, कई डाउट होते हैं, कर्मचारी सोच पूछते हैं क्या खाता फिजिकली रूप से बैंक शाखा में ना जा करके ऑनलाइन खाते खोल सकते हैं। तो इसी का एक सलूशन है, कोई भी नया सैलरी खाता खोलने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, यानी कि कोई पाबंदी नहीं है आपको, किसी प्रकार का बंदिश नहीं है कि आप खाता खोलने के लिए SBI के किसी ब्रांच में जाएं। आप आवश्यकता अनुसार डॉक्यूमेंट जो ज़रूरत हैं वो ऑनलाइन अपलोड करें और ऑनलाइन सैलरी खाता खोल सकते हैं। प्रकार से यहाँ भी सबसे बड़ी बात जो पॉइंट डाउट वाला है, लोग कहते हैं, सब खाता धारक कहते हैं कि स्टेट बैंक की एक शाखा से दूसरी शाखा में अपने खाते का ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हाँ, जो बैंक कहती है कि कोर बैंकिंग सुविधा के माध्यम से आप एक ही खाते को आप हमारी सभी शाखाओं में जारी रख सकते हैं। हालांकि खाते को अंतरित करने के लिए आपको अपनी होम ब्रांच में एक आवेदन अनुरोध पत्र देना होगा, यानी कि मान लीजिए आपका किसी स्टेशन ब्रांच में किसी शहर से में आपका खाता खुला हुआ है और आप उसे किसी आपके होम नियर जहां आपकी नौकरी है का जहां आप शहर का जहां आपका घर है वहां पर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो आप नॉर्मली एक एप्लीकेशन उस ब्रांच में देनी होगी और उस ब्रांच से आप जहाँ चाहते हैं वहाँ का उसके निवेदन करने के साथ ही आपका होम ब्रांच में खाता अंतरित हो सकेगा। पूछने वाला प्रश्न ये है, कई कर्मचारी कहते हैं कि भाई हमने तो जॉब ही बदल दी, तो क्या हमें जो हमारा सैलरी अकाउंट है वो बंद कराना पड़ेगा? ऐसा नहीं है। सब ये कि नौकरी आपकी चाहे बदल गई हो, लेकिन नियोक्ता बदलने के साथ भी आप अपने सैलरी पैकेज खाते से वेतन आहरण रख सकते हैं, यानी कि आपको अपने नियोक्ता को अपने विद्यमान बैंक वेतन देने होंगे, विवरण देने होंगे, ताकि मासिक वेतन जमा उसी खाते में किया जा सके। इसका मतलब यह है कि मान लीजिए आप किसी संस्थान में नौकरी कर रहे हैं और उस संस्थान से छोड़ के आपने किसी दूसरे संस्थान में नौकरी कर लिया, तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जो पुराने संस्थान के जो आपके सैलरी स्लिप थी उन्हें ने देकर के उस बैंक में आपको नए सैलरी यानी नए रोजगार के जो सैलरी होगी, नौकरी की जो सैलरी स्लिप होगी उसे ले जा करके उस बैंक में जमा करा देना है, वो भी आपका वो सैलरी अकाउंट जारी रहेगा। अब कई लोग, ये डाउट होता है कईयों का, यदि खाते में वेतन जमा न हो और विद्यमान सैलरी पैकेज का क्या होगा? यानी कि मान लीजिए आपके सैलरी अकाउंट के खाता में वेतन नहीं आ रहा है, तो वो क्या सैलरी अकाउंट खाता रहेगा? इसमें ये शर्त रखी गई है SBI ने कि मान लीजिए लगातार आपकी सैलरी 3 महीने तक जमा नहीं हो रही है सैलरी अकाउंट में, तो सैलरी पैकेज के तहत दी गई विशेष सुविधाएं वापस ले ली जाएंगी। यानी कि आपकी किसी कारण से 3 महीने तक सैलरी बैंक में जमा नहीं हो रही, तो सैलरी पैकेज के तहत दी जाने वाली सभी सुविधाएं बैंक द्वारा वापस ली जा सकेंगी। और वह जो खाता सैलरी अकाउंट था, मानक शुल्क ढांचे के तहत सामान्य बचत श्रेणी के खाते में आ जाएगा, यानी कि आपको सैलरी अकाउंट को परिवर्तित करने के लिए आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वह स्वतः ही बचत खाते की श्रेणी में परिवर्तित हो जाएगा। अब
पिछले उसमें मैंने आपसे ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी का जिक्र किया था। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी क्या है? सैलरी पैकेज खाते में ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा और लाभ क्या क्या हैं, तो विस्तार से देखिए। सैलरी पैकेज खाते में ओवरड्राफ्ट सुविधा इस प्रकार है। खाते पर 2 माह तक के निवल मासिक वेतन की ओवर सीमा, न्यूनतम दस्तावेज, कोई प्रक्रिया शुल्क नहीं, कोई समय पूर्व भुगतान प्रभार नहीं, सरल उपयोग एवं सरल सुविधा, और 6 माह में चुकौती, यानी कि बैंक अगर आपको 2 महीने का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी प्रदान करता है तो आपको उसे 6 महीने की किस्तों में, बराबर किस्तों में जमा कराना है। सीमा का चेक यानी कि ATM, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आदि के माध्यम से स्वतंत्र हैं, यानी कि आपको जो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी गई है उसे आप वापस करने के लिए या तो ATM से जमा करा सकते हैं, ऑनलाइन भी करा सकते हैं, जैसे भी आप सुविधा पड़े आपको जमा कराना है। अब यहाँ देखते हैं कि हमने पिछले उसमें कहा था कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी की सुविधा बैंक के द्वारा पात्र व्यक्तियों को ही दी जाएगी, तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जो पात्र कौन कौन होंगे? तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के जो पात्र हैं, यदि आप न्यूनतम, यदि जो खाता धारक है, सैलरी खाता धारक है, उसकी 6 महीने की सेवा शेष रही हो और बैंक के पास वेतन खाते में नियत वेतन जमा हो, तो आप ओवरड्राफ्ट सुविधा के पात्र हैं। यदि आपकी न्यूनतम 6 माह की सेवा शेष रही हो, यानी कि आप रिटायरमेंट के नज़दीक हैं और 6 महीने शेष रहे हैं और आप बैंक के पास यानी हमारे पास आपके वेतन खाते में नियमित वेतन जमा हो तो आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी सुविधा के पात्र होंगे। लॉकर सुविधा का लाभ उठाने के लिए सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए क्या रियायत है? तो ये देखिए, लॉकर सुविधा यानी कि सैलरी पैकेज खाते की श्रेणी के आधार पर सैलरी पैकेज ग्राहक के लिए 25% रियायती उपलब्ध है। यानी कि सैलरी अकाउंट जिस बैंक में है वहाँ SBI, सिर्फ SBI में, तो आपको जो किराया लगता है वह उस किराए में आपको 25% तक की छूट उपलब्ध रहेगी। अब देखते हैं कि हमने जो जिक्र किया था कि सैलरी अकाउंट के तहत मान लीजिए हम उस बैंक से ड्राफ्ट बनवाना चाहते हैं तो कितने ड्राफ्ट निशुल्क बनेंगे, तो यहाँ सैलरी पैकेज खाते पर असीमित निशुल्क ड्राफ्ट ले सकते हैं, यानी कि हम कितनी भी बार ड्राफ्ट बनवा सकते हैं सैलरी पैकेज के सैलरी अकाउंट के माध्यम से। फिर किसी के जहन में आते हैं कि सैलरी पैकेज ग्राहक के लिए प्रति माह SBI ATM पर कितने निशुल्क ATM लेन देन उपलब्ध है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि किसी भी ATM पर SBI के सैलरी अकाउंट धारक को असीमित लेन देन करने की सुविधा प्रदान करता है। अब यहाँ 33वां पॉइंट है, सैलरी पैकेज खाते ग्राहक के लिए प्रति माह अन्य बैंकों के कितने, यहाँ भी उसमें भी आप असीमित निशुल्क ATM लेन देन कर सकते हैं। सैलरी पैकेज ग्राहक के लिए लागू NEFT और RTGS प्रभार क्या है? अब ये देखिए, यानी कि सैलरी पैकेज के जो 4 प्रकार हैं उन पर
डायमंड और प्लेटिनम श्रेणी के ग्राहकों के लिए सभी माध्यम से, यानी कि सिर्फ जो टॉप दो है उन्हीं पर NEFT और RTGS की सेवाएं निःशुल्क हैं, जबकि सिल्वर और गोल्ड के ग्राहक के लिए ये सेवाएं केवल डिजिटल माध्यम से निःशुल्क हैं। बहुत ही बड़ी अपने आप में एक सुविधा फैसिलिटी है। नहीं तो RTGST और NEFT पर कई बैंक को चार्ज चुकाना पड़ता है। सैलरी पैकेज के लिए कौन सा डेबिट कार्ड जारी किया जाता है? तो देखते, कई डाउट होते हैं तो मैं आपको हर डाउट को क्लियर करता हूँ। तो सैलरी पैकेज के लिए कौन सा डेबिट कार्ड है, तो सबसे पहले देखते हैं। सैलरी पैकेज के लिए डेबिट कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं और वार्षिक रखरखाव शुल्क भी निःशुल्क दी जाती है। सैलरी खाते के प्रकार के आधार पर जो है वो सबसे पहले है प्लेटिनम सैलरी जो खाता होता है, उस पर 1 लाख रुपए की दैनिक आहरण सीमा के साथ इंटरनेशनल प्लेटिनम डेबिट कार्ड दिया जाता है, यानी कि 1 लाख रुपए तक का सीमा पर उसका आहरण यानी निकासी कर सकते हैं। डायमंड पर 50,000 का आहरण से के साथ इंटरनेशनल गोल्ड डेबिट कार्ड भी जारी किया जाता है। गोल्ड 50,000 यानी विदेशी मुद्रा में समतुल्य की दैनिक आहरण सीमा, यानी एक दिन में आप 50,000 रुपये तक का इंटरनेशनल डेबिट कार्ड के माध्यम से लेन देन कर सकते हैं। सिल्वर श्रेणी के कार्ड पर आप 20,000 रुपये की दैनिक आहरण डोमेस्टिक क्लासिक डेबिट कार्ड के माध्यम से आहरण कर सकते हैं। अब 37वां पॉइंट जो सबसे डाउटफुल रहता है वो यह है, सैलरी पैकेज खातों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली उपलब्ध है। SBI की किसी शाखा में नगद जमा करके या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंतरण करने के विश्लेषण किया जा सकता है। क्या राष्ट्रीय NPS जो अभी नई प्रणाली है पेंशन प्रणाली ये उपलब्ध है? तो स्पष्ट है कि इस ये प्रणाली भी SBI में उपलब्ध है। और आखिरी जो प्रश्न है यह है, क्या सैलरी पैकेज ग्राहकों के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि PPF उपलब्ध है? यानी कि सैलरी खाते पर SBI सार्वजनिक भविष्य निधि सुविधा उपलब्ध कराता है? तो हाँ, स्पष्ट है कि सभी जो सैलरी खाते होते हैं SBI खातों के लिए सार्वजनिक भविष्य निधि PPF उपलब्ध है। SBI की किसी भी शाखा में नगद जमा करके या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अंतरण करके विप्रेषण किया जा सकता है, यानी कि इस सुविधा का फायदा लिया जा सकता है। ये थे आपको SBI सैलरी अकाउंट के फायदे।